हेलो एवरीवन, दिस इज़ यशराज सिंह चौहान और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे टारगेट मेंस 2022 की सीरीज़ में। तो इसका ये डे थ्री है। हालांकि कल थोड़ा सा ब्रेक लग गया था इस सीरीज़ पे, क्योंकि ब्रेक शायद से लगा था या लगवाया था, आई डोंट नो। बट छोटा सा चैनल है हमारा, ऐसा कुछ है नहीं, बट तब भी हैक हो गया। तो वो थोड़ा सा मैं असमंजस में था कि क्यों ऐसा हो गया, बट चैनल हैक हुआ था। और साथ ही साथ में मेरे जो मेल था, यानी जीमेल जो अकाउंट होता है जिसके थ्रू हमारा चैनल बनता है, वो भी उधर पे हैक हो गया था। अब उसकी रिकवरी जो की है, वो कैसे की है, वो मैं जानता हूँ भाई। रात में कितना परेशान हुआ हूँ मैं, तो रात भर में जागा भाई, उसके पीछे मैं लगा रहा और कैसे ना कैसे करके वो चैनल वापस आया है। तो आप ये वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है ना। अब बात ये है कि लाइक सबसे बढ़िया काम ये हुआ कि इसमें से कोई वीडियो नहीं उड़ा, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसने चेंज नहीं करी जिसने भी किया था। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा एक पर्टिकुलर वीडियो में कि कहाँ से हैक हुआ, किस कंट्री से हैक हुआ। इंडिया में नहीं हुआ है भाई, हो सकता है किसी ने वीपीएन लगा के किया हो। तो वो चीज़ सारी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा कि वो वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका कोई भी साथ का पर्सन है जो आपके साथ रहता है, या जिसका यूट्यूब है, या कोई भी क्रिएटर है, या कोई भी एजुकेटर है, या कुछ भी, या आपका खुद का भी पर्सनल अगर मेल अकाउंट है, अगर आपका चैनल भी नहीं है ना, तो भी आपको वो चीज़ें जानना पड़ेंगी। अब यूट्यूब पे हालांकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं कि ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मैं आपको अपने तरीके से बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो भाई ताज़ा ताज़ा आप बीती है, ठीक है ना। तो अगर आपका भी, क्योंकि देखो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ वो वीडियो, क्योंकि आपके मेल अकाउंट में या जीमेल अकाउंट में, जो आपका जीमेल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक आपके एडमिट कार्ड हो गए, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग सेव करते हैं, कुछ ड्राइव में करते हैं, कुछ लोग मेल में ही सेव करके रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लॉस्ट ना कर दो, उनसे अगर आपको बचना है, कैसे आप उधर पे सिक्योरिटी डाल सकते हो भाई। सब कुछ था मेरा, डबल सिक्योरिटी और टू स्टेप वेरिफिकेशन सब कुछ था उसमें, लेकिन सब चीज़ें ब्रेक हो चुकी थी, बट तब भी वो वापस आ गया, कुछ भी मेरा लॉस्ट नहीं हुआ है डेटा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा, तो आप उसे देख लेना और वो वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी। और आगे अगर मान के चलो आपकी नज़र में किसी का चैनल हैक होता है या जीमेल हैक होता है, तो आप उसे वो बता सकते हो अचूक चीज़, जिससे आपका काम बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से हो सकता है। तो आप वो वीडियो देख लेना, छोटा सा मैं वीडियो आपको बना दूंगा, आप उसमें देख सकते हो ना। बात करते हैं सेशन की आज की। तो आज के सेशन में हमारे पास लॉजिकल पजल है, जो कि टारगेट मेंस 2022 की हम लोग कर रहे हैं तैयारी, उसमें हमारे लिए काम में आएगी ना। पजल कुछ इस तरह से हमारे पास, अगर आप पजल देखोगे तो आपको सारी चीज़ें इधर पे क्लियरली विजिबल होंगी। लाइक ऊपर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, देन एक फिगर है, और फिगर के अंदर देखोगे तो आइडेंटिकल इधर पे कुछ सेल्स बने हुए हैं। इसका मीनिंग क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे तो कहानी समझ में आएगी, ठीक है। देन इधर पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, और फिर हमारे पास नीचे क्वेश्चन है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग। तो क्या दिया गया है, और बाकी आप लोग पॉज करके इसे बना सकते हो, और जैसे ही आपसे बन जाए तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, और नहीं बनता है तो आपका एक्सप्लेनेशन देख लेना। रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा यही होता है कि छोटा सा होता है ना। नाउ द फिगर गिवन बिलो शोज द प्लान ऑफ अ हाउस कॉम्प्लेक्स विच हैज 8 हाउसेज P1, P2, P3 या डेट एज P8 तक। तो P8 तक, यानी P1 से लेकर P8 तक हमारे पास 8 हाउसेज हैं। ईच हाउसेज इज ओन्ड बाय डिफरेंट पर्सन अमंग ABCDEFGH, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि ए को P1 दे दें, बी को P2 दे दें, और ऐसा डायरेक्टली इनको बांट दें, क्योंकि वही चीज़ तो हमें निकालना है कि P1 में कौन बंदा रह रहा होगा, P2 में कौन रह रहा होगा, P3 में, एंड सो ऑन। आगे देखते हैं, द हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स। जो हाउसेज हैं वो टू टाइप्स के हैं। पहला क्या है, बंगलोज एंड क्वार्टर्स, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, एक तो बंगले होते हैं, एक क्वार्टर्स होते हैं। नाउ आगे बोलता है, ऑल द बंगलोज आर आइडेंटिकल, सिमिलरली ऑल द क्वार्टर्स आर ऑल्सो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या निकल के आता है, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, जिसके बारे में मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि लाइक कुछ सेल्स है, तो इन पांच सेल को देखिएगा आप लोग, इन पांच सेल को अगर आप देखोगे तो ये सेम लग रहे हैं ना, इनके जो एरिया होंगे वो सेम होंगे ना। देखो इनके एरिया सेम लग रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ के मामले में अगर हम देखे था, और बाकी ये जो तीन है ना ये सेम लग रहे हैं। यानी कि हो सकता है ये तीन हमारे क्वार्टर्स हो जाएं और बाकी वो जो पांच है वो बंगले हो जाएं, लेकिन प्रॉबेबली ये भी है, ये भी हो सकता है कि ये जो तीन है ये बंगले हो जाएं और बाकी जो पांच है वो हमारे क्वार्टर्स हो जाएं। तो वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन देगा आपको। आगे देखो, P3, P6, P8 आर द बंगलोज। तो P3, P6 और P8 जो है वो बंगलो हैं, यानी बिग सेल जो है, मैं बोल सकता हूँ ना बिग सेल जो है वो बंगलोज हैं, ठीक है। एंड स्मॉल सेल जो है वो हमारे पास कौन है, स्मॉल सेल हमारा क्वार्टर्स है। ये मैंने जस्ट इधर पे लिख लिया जिससे मैं भूल ना जाऊं, वैसे भूलने वाली तो बात है नहीं। आगे देखते हैं, आर द बंगलो एंड ईच ऑफ द ओन डिफरेंट ऑफिसर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या दिया गया है, एंड ईच ऑफ देम इज ओन्ड बाय द डिफरेंट ऑफिसर। यानी जो बंगले है ना वो ऑफिसर के द्वारा ओन किए जा रहे हैं, यानी बंगले दिए जाएंगे ऑफिसर्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑफिसर्स ईच क्वार्टर इज ओन्ड बाय द डिफरेंट सर्वेंट।
और क्वार्टर्स जो है वो यहाँ पे सर्वेंट को अलॉट किए जाएंगे, यानी बंगलोज जो है वो हमारे ऑफिसर्स को अलॉट किए जा रहे हैं, एंड क्वार्टर्स जो है वो सर्वेंट्स को, यानी बड़े वाले जो घर हैं वो दिए जा रहे हैं ऑफिसर्स को, और जो छोटे वाले घर हैं वो दिए जा रहे हैं सर्वेंट्स को, ठीक है। टू पर्सन आर कॉल्ड नेबर्स इफ देयर हाउसेस शेयर्ड अ कॉमन वॉल। अब देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगर मैंने बोला तुमसे मैं P7 को लेता हूँ, P7 के नेबर कौन होंगे? जो P7 के घर की जो वॉल है ना उसको शेयर कर रहे होंगे, यानी जो P7 की वॉल को टच कर रहे होंगे। तो P7 की वॉल को टच कौन कर रहा है? पहली वॉल ये टच हो गई, यानी P6 इसका नेबर हो गया। दूसरी वॉल ये टच हो गई, P8 इसका नेबर हो गया। तीसरी वॉल इसकी हो गई ये वाली, तो यानी P3 इसका नेबर हो गया, ये इसके नेबर हो गया। तो P7 के कितने नेबर हैं हम बोल सकते हैं? 3। यानी कि P7 कितने लोगों का नेबर है? 3 लोगों का। P7 के 3 नेबर्स हैं और 3 लोगों का नेबर P7 है। दोनों ही चीजें ट्रू है ना, दोनों ही वाइस वर्सा हैं। आगे पढ़ते हैं, एग्जांपल के तौर पे ये भी तुमको वही चीज बताएगा। एग्जांपल द वन हु लिव्स इन P1 इज अ नेबर ऑफ दोज हु लिव इन P2 एंड P6। तो P1 में जो बंदा रहता है ना, ये किस किस का नेबर है? ये P2 का नेबर है और P6 का, क्योंकि इसकी एक कॉमन दीवार जो है, वॉल जो है, वो P2 से टच कर रही है और एक इधर पे P6 से कर रही है। सो P2 एंड P6 इसके क्या हो जाएंगे? नेबर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कॉमन वॉल है। तो ये चीज तो काफी इजी थी समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, कौन सा घर किसका किसको दिया जा रहा है वो भी हमने समझ लिया। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग आगे फर्दर इंफॉर्मेशन पे, जो कि हमारे पास और दी गई है। इट इज ऑल्सो नोन दैट, क्या दिया जाता है इधर पे, क्या बताया जाता है आपको? इट इज ऑल्सो नोन दैट द नंबर ऑफ नेबर्स ऑफ ए एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेबर्स ऑफ सी। यानी ए के नेबर्स सी के नेबर्स के बराबर हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया, ए के नेबर सी के नेबर से बराबर हैं, यानी इनकी कॉमन वॉल जो है वो दोनों की बराबर होने वाली है। यानी ए के जितने नेबर होंगे उतने ही नेबर सी के भी होंगे। सिंपल हो गया काम, पहला पॉइंट क्लियर है। अगला पढ़ते हैं, डी इज नेबर ऑफ बोथ ए एंड एफ। यानी डी जो है वो ए का भी नेबर है एंड एज वेल एज एफ का भी नेबर है। ये इन दोनों का नेबर होगा, डी जो है वो ए और एफ दोनों का नेबर है। यानी कहीं ना कहीं डी जो है वो ए से भी टच हो रहा होगा और एफ से भी टच हो रहा होगा। बट दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है? जरूरी नहीं है कि ए एंड एफ टच करें, ये जरूरी नहीं है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट ये जरूरी है कि डी जो है वो ए को भी टच कर रहा होगा और एफ को भी। कैसे, मैं बताता हूं। अगर मान के चलो यहां पे ए आता है, यहां एफ आता है, तो यहां पे डी पॉसिबल है ना, यहां पे डी पॉसिबल है। देखो ये कॉमन दीवार, ये कॉमन दीवार, दोनों का नेबर डी हो गया। यही चीज तो वो बोलता है, ये एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने। डी वहां पे आएगा या नहीं आएगा वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो सेकंड पॉइंट इज आल्सो क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इज एन ऑफिसर एंड इज द नेबर ऑफ जी हु डज नॉट लिव इन P7। यानी ई जो है वो ऑफिसर है। अब ऑफिसर अगर है तो बड़ा वाला घर उसको अलॉट किया जाएगा ना, तो बड़े वाले घर कौन कौन से हैं? P3, या तो उसको P3 मिलेगा, या उसको P6 मिलेगा, या फिर उसको P8 मिलेगा, क्योंकि बड़े घर यही हैं। क्यों? क्योंकि ई जो है वो हमारा क्या है? ऑफिसर है। और ई जो है ना वो क्या है? जी का नेबर भी है। ई जो है वो जी का नेबर भी, यानी ई के एडजेसेंट कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हमारा जी बैठने वाला है, ठीक है। हु डज नॉट लिव इन P7, यानी जी जो है वो कभी भी हमारा P7 में नहीं रहेगा, ये चीज बोली जाती है। मैं यहां भी बोल सकता हूं कि जी हमारा कभी भी यहां पे तो नहीं आएगा। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, फिगर्स में भी और नीचे भी। आगे बढ़ते हैं भाई, थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ बी एंड एच आर नॉट नेबर। तो बी और एच जो है ना वो कभी भी नेबर नहीं होंगे। मैंने यहां लिख दिया, ये कभी भी नेबर नहीं होंगे। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ अगला देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट, एफ इन P8। अब F जो है वो P8 में रहेगा, ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। एंड इज नॉट हर नेबर, यानी A जो है इसका नेबर नहीं है, यानी A कभी भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इससे टच हो रही है ये वाली बोल। A कभी यहाँ नहीं आएगा, A कभी यहाँ नहीं आएगा, A कभी यहाँ नहीं आएगा। तो A कितनी जगह आ सकता है? A आ सकता है या तो P1 में, या तो P2 में, या तो फिर P6 में। देखो A यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, इन्हीं तीनों जगह आ सकता है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि A हमारा कहाँ पे आए? ओके, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से फिर से। तो मैंने क्या बताया था? हाँ, तो ए के लिए मैं बात कर रहा था। तो ए हमारा कहाँ कहाँ नहीं आ सकता? ए हमारा यहाँ इन चार जगह नहीं आ सकता, क्योंकि वो एफ का नेबर कभी भी नहीं है,
है ना, क्योंकि बोला गया है ना इधर पे, डायरेक्टली बोला गया है कि एफ लिव्स इन P8 बट एंड ए इज नॉट हर नेबर, यानी एफ और ए कभी भी साथ में नहीं आएंगे। तो ए के लिए हमारे पास तीन पोजीशन थी और वो तीनों पोजीशन मैंने यहाँ बना दी। लेकिन एक कहानी अगर तुम देखोगे ना, सो डी एक ऐसा बंदा है जो ए और एफ का नेबर है। तो अगर मान के चलो, सुनना बहुत ध्यान से, अब इन तीनों में कभी ना कभी मेरा ए आ सकता है ना, सिर्फ इन्हीं तीनों जगह ए आ सकता है। अगर मैंने ए यहाँ डाल दिया तो डी में कहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, तभी ये इसका नेबर हो सकता है ना। तो अगर मैं मान के चलो डी यहाँ डालता हूँ तो एफ से टच हो पाएगा क्या? कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डी को एफ से टच कराना भी तो है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं डी यहाँ डालता हूँ तो एफ से टच हो रहा है क्या? नहीं। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो P1 पे नहीं आएगा। मैं P2 पे चेक करता हूँ, है ना, P2 पे अगर मैं ए डालता हूँ तो मैं डी कहाँ डाल सकता हूँ? यहाँ पे अगर डी डालता हूँ तो एफ टच नहीं होगा, यहाँ डी डालता हूँ तो एफ टच नहीं होगा, यहाँ अगर मैं डी डालता हूँ तो देखो ए से टच हो रहा है और एज वेल एज एफ से भी ये वाली वॉल इसकी टच हो रही है, यानी कि ये नेबर हो सकता है। अब P2 पे हमारा ए आ रहा है, P6 पे भी चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ ए डालता हूँ तो मैं यहाँ डी डाल सकता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं डी डालूंगा तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ डी हो गया, ये एफ हो गया, यहाँ पे भी मैं ए डाल सकता हूँ। तो ए मेरा P2 और P6 पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने वहां पे क्या मार दिया, टिक मार दिया, ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड में हो गया। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि ए और सी के जो नेबर्स है ना वो सेम होना चाहिए। तो अगर P2 पे ए आता तो नंबर ऑफ नेबर्स कितने उसके, 1, 2, 3, है ना, तो यहां पे 3 नेबर्स होंगे। अगर P6 पे आता ए तो कितने नेबर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 नेबर होंगे। तो इस हिसाब से सी हमारा कहां पे आता, अगर ए जो है वो P2 पे आता तो सी हमारा कहां कहां पे आता, तो उसके भी नेबर 3 होना चाहिए थे ना। तो 3 किसके हो सकते हैं नेबर, क्योंकि डी तो डेफिनेटली यही आएगा ना, अगर ए यहां आता है तो भी डी यहां पे, ए यहां आता है तो भी डी यहां पे, यानी डी तो डेफिनेट हमारा यहां पे आ ही गया ना। नाउ अब हमें ऐसे देखो, अगर P2 पे आता है ना तो ऐसे हमें हाउस देखना है जहां पे 3 नेबर्स हो, वहां पे मैं पी डाल सकता हूं, मतलब वहां पे मैं सी डाल सकता हूं। तो P2 अगर यहां पे आया, इसके 3 नेबर्स कैसे हो रहे थे, 1, 2, 3, तो यहां पे हमें सी डालना पड़ेगा, यहां सी डालना पड़ेगा, तो दैट इज 1, 2, 3, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं P6 पे डालता हूँ ए को तो मुझे कितने नेबर चाहिए, 4 नेबर, और 4 नेबर मिलेंगे मुझे सिर्फ और सिर्फ P8 में, 1, 2, 3, 4, और कहीं नहीं मिल सकते 4 नेबर। यानी इसका मतलब क्या समझ में आ गया, ए हमारा P6 में नहीं आएगा, और ए P6 में नहीं आएगा तो ए आएगा P2 में, और ए अगर P2 में आएगा तो सी आएगा हमारा P4 में, डेफिनेटली यही पे होने वाला है। तो ये वाली कहानी हमारी हो चुकी है, ये वाली कहानी हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे बोला गया था क्या कि ई जो है वो P3 P6 या P8 पे आएगा। P8 पे आ नहीं सकता, एफ आ चुका है, P6 पे आ सकता है, P3 पे नहीं आ सकता, डी आ चुका है, तो P6 पे ही आएगा ना ई, तो यहाँ पे हमारा ई हो गया, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि ई और जी जो है ना वो नेबर हैं, तो जी हमारा यहाँ आ सकता है, बट यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्ट है जी, तो जी के लिए सिर्फ एक पोजीशन है और वो पोजीशन है ये वाली, तो जी हमारा कहाँ जाएगा, P1 पे जी आ जाएगा, तो ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास एक ये वाला घर बचा और एक ये वाला घर बचा, और उसके लिए कौन कौन बंदे बचे हैं, बी एंड एच, और ये कभी भी नेबर्स नहीं होते हैं ये वाली कंडीशन से। तो मैंने बोला कि अगर मैं बी यहाँ डालता हूँ ना तो एच यहाँ डालता हूँ, ये कभी भी नेबर नहीं है, लेकिन अगर मैं एच यहाँ डालता हूँ बी इधर डालता हूँ तो तब भी नेबर नहीं है, और बाकी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं बची। तो मैं बोलूंगा कि बी और एच अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो एच और बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो यही बनेगी हमारी पजल और यही हो गई हमारी कहानी खत्म। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दिया था, हु लिव्स इन P7, तो P7 पे कौन रहता है दोस्त। अब हमें P7 में इधर पे देखना है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं ना P7 पे कौन रह रहा है, P7 पे हमारा यही बंदा तो रह रहा है, या तो बी या तो एच। सो इधर बी और एच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन तो ईजी था, बस यही है, देखो पजल बन जाएगी तो क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। हाउ मेनी नेबर्स डज ए हैव, तो ए के पास कितने नेबर्स हैं गाइस, तो ए के पास है 1, 2, 3, यानी ए के पास कितने नेबर्स हैं, 3 नेबर्स, तो यहाँ पे मैं 3 नेबर्स कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली नॉट द नेबर ऑफ डी, अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी, बाकी मैं बता देता हूँ, नहीं भी ऑप्शन है तो भी मैं बता देता हूँ कि डी के नेबर कौन नहीं है, तो डी के नेबर कौन नहीं है वो नाम लिख देते हैं इधर पे। सो डी के जो नेबर हैं पहले उन्हें अंडर सर्कल कर लेते हैं हम लोग। सो डी के जो नेबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये डी का नेबर होगा, ये डी का नेबर होगा, ये वाला भी डी का नेबर होगा, और ये वाला भी हमारा डी का नेबर होगा, और ये वाला भी हमारा डी का नेबर होगा। तो डी का नेबर क्या नहीं हो सकता, डेफिनेटली जो डी का नेबर नहीं है वो नहीं हो सकता है जी।
एंड अगर मैं और देखूं तो डी का नेबर हमारा एच और बी में से कोई नहीं हो सकता। अगर बी यहां आता है तो एच यहां आएगा, तो यानी कि एच हमारा नेबर नहीं हो सकता, और अगर एच यहां आता है बी इधर आएगा तो बी हमारा नेबर नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली कौन नहीं हो उसका नेबर? सिर्फ बी, क्योंकि सॉरी सिर्फ जी, क्योंकि बी और एच में हमारा द्वंद है, इन दोनों में से कोई एक इसका नेबर नहीं होगा। सो हमें बताना था डेफिनेटली नॉट कौन ऐसा बंदा है जो उसका नेबर नहीं होगा, तो ओनली जी। ठीक है, तो ये थी भाई पूरी कहानी आज की। तो आई थिंक आपको ये पजल अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और डेली आपको पता है कि मैं 7 PM पे यहाँ पे आता हूँ, या तो आपको लाइव मिलूंगा या तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। अब कल से थोड़ा सा परेशान था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर दिया एंड आपके सामने इसको प्रस्तुत कर दिया। बाकी रही बात उसकी हैकिंग वाली चैनल की, जो चैनल हैक हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें करी मैंने, क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह से मैंने उसको पूरा भाई जिंदा किया दोबारा, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। एक सिंपल सा एक वीडियो लाऊंगा छोटा सा, जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा और जो कि आपके काम में आएगा आगे जाके, है ना, क्योंकि आप भी जीमेल अकाउंट चलाते हो, सभी लोग चलाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ देख जरूर लेना। बाकी अगर आपको बताना है किसी को तो बता सकते हो, अगर आपकी नज़र में कोई आता है ऐसा, या अगर आपको लगता है कि नहीं ये बताने लायक है, तो आप उसको वो चीज़ बता सकते हो। सो यस, वी कैन से इति सिद्धम कहानी खत्म। और काफ़ी सपोर्ट रहा आपका ग्रुप में, आप लोग के मैसेजेस आए थे, मैं तो काफ़ी परेशान था भाई, तो सभी को धन्यवाद भी बोलूँगा उस चीज़ के लिए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए बस, मैं कुछ ना कुछ तो करते ही रहूँगा भाई आपके लिए। ठीक है, तो चलिए टाटा एंड टेक केयर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर गाइस।